माओवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद अनूप सिंह के घर पर मातम का माहौल है। लोगों का आना जाना लगातार जारी है। घर के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रतापगढ़ के मानधाता एरिया अंतर्गत बिलखरी गांव के रहने वाले अनूप सिंह के घर में मातम का माहौल है। हर कोई गमगीन है। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना बेटा खोया। हर किसी की आंखों से आंसू टपक रहा है। शहीद अनूप सिंह कानपुर के कंधना चौकी में तैनात थे। अपराधियों से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद अनूप अपने तीन भाइयों में मझले भाई थे। अनूप का एक बेटा सूर्यांश जो 6 साल का है और बेटी गौरी 12 साल की है। वही शहीद के बड़े भाई ने नम आंखों से बताया। उन्हें फोन द्वारा सूचना मिली कि उनका भाई शहीद हो गया। कल ही उन्होंने 4 अपराधियों को पकड़ा था। शहीद अनूप सिंह के घर पर विश्वनाथ गंज के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा भी पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि शहीद की पत्नी को पुलिस विभाग में योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए। भैया, कैसे आपको जानकारी हुई कि अनूप कानपुर में शहीद हो गया? कैसे आपको जानकारी? वहाँ हमारे भैया रहते हैं, वो फोन किए, उसके बाद थोड़ी देर बाद थाने से फोन आया। तो क्या बताया उन्होंने? यही बताया कि शहीद हो गए पुलिस मुठभेड़ में, बदमाश के साथ मुठभेड़ में। वो किस पोस्ट पर तैनात थे? वहाँ पर वहाँ के चौकी इंचार्ज थे। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ कमियां थी जिसके कारण इतनी बड़ी 8-8 लोग शहीद हुए? क्या कुछ कम आपको लगता नहीं कुछ कमियां थी वहां पर जिससे कारण प्लान बनाया जा रहा था उनके मतलब ये सब करने के लिए? तभी तो आगे से वहां जैसे सीबीआई लगा दिए थे। सब लोग इकट्ठा कल 4 बदमाश को पकड़े भी थे दिन में। अच्छा, शाम को बात भी हुई थी 12 बजे। उसके बाद सुबह तो क्या कहीं साजिश लगती है क्या आपको? वो विभाग का काम था, विभाग का काम कर रहे थे, साजिश। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह।